मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। देश के सबसे बड़े महाचुनाव के लिए नेता से लेकर पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समीकरण बनाने और बिगाड़ने का खेल जारी है, लेकिन जिन नेताओं को आपने 2019 के चुनाव में चुनकर संसद भेजा, उनका कितना कामकाज रहा, क्या किए हुए वादे पूरे हुए, हम पूछेंगे आपके सांसदों से और बताएंगे आपको। नमस्कार, हमारा नाम है मोहित कुशवाहा और हम हाजिर हैं अपना खास शो सांसद का हिसाब किताब लेकर। तो आज बात होगी आगरा से भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल की। बघेल ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की। आज भी वे सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। बात 1989 की है, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और बघेल उनकी सुरक्षा में अधिकारी थे। साल 1993 में उच्च शिक्षा आयोग में वे चयनित होकर आगरा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं और इसके साथ ही प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने राजनीति की शुरुआत कर दी। मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके साथ ही साथ बघेल जलेसर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन सपा उनको टिकट नहीं देती और बघेल बसपा से चुनावी मैदान में आते हैं लेकिन हार जाते हैं। फिर से बघेल सपा में वापसी करते हैं। 1998 में जलेसर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और सांसद बनते हैं। 2004 में बघेल फिर जीतते हैं, लेकिन 2007 में परिसीमन में जलेसर लोकसभा को खत्म कर दिया जाता है, जिसके बाद बघेल फिर फिरोजाबाद लोकसभा की तरफ रुख करते हैं, लेकिन सपा से टिकट ना मिलता देख बसपा से फिर मैदान में उतरते हैं और फिर हारते हैं। इस हार के बाद भी बसपा बघेल को 2010 में राज्यसभा भेजती है, लेकिन दिलचस्प बात देखिए कि बघेल 3 साल के बाद ही 2013 में राज्यसभा से अपना इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद आता है यूपी का 2017 का विधानसभा चुनाव, जिसमें बघेल टूंडला सीट से जीतकर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनते हैं, लेकिन 2019 में आगरा से भाजपा उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाती है और लंबे मार्जिन से जीतकर वे फिर से संसद पहुंचते हैं। शुरुआत में बघेल को कोई मंत्रालय नहीं दिया जाता, लेकिन 2022 चुनाव के पहले कैबिनेट विस्तार में बघेल को पहले कानून राज्य मंत्री बनाया जाता है। इसके बाद उन्हें कानून की जगह स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्य मंत्री का प्रभार दिया जाता है। अब प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एक बार फिर आगरा के चुनावी मैदान से लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन ये तो हो गई प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के राजनीतिक करियर की बात, लेकिन सांसद के तौर पर एसपी सिंह बघेल कितने हिट हुए, अब वो भी बात कर लेते हैं। पीएसआर इंडिया पर मिले डेटा के मुताबिक अब तक संसद में बघेल की उपस्थिति 95% तक रही है। एसपी सिंह बघेल ने संसद की 34 बहसों में हिस्सा लिया, जिसमें आगरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल करवाने की मांग, आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज को एम्स का दर्जा, रात में भी ताजमहल को खोले जाने के मुद्दे शामिल रहे। वहीं एसपी सिंह बघेल ने कई सवाल पूछे, जिसमें आगरा में स्टेडियम यानी कि इंटरनेशनल स्टेडियम, आगरा में पासपोर्ट ऑफिस बनवाना, दिल्ली एनसीआर से लेकर आगरा तक जो सड़क किनारे विलायती कीकर यानी कि जंगली घास है उसके फैलाव और पर्यावरण को होने वाले उससे नुकसान को लेकर सवाल पूछे। इन सब के साथ एसपी सिंह बघेल संसद की आवाज और शहरी मामलों की समिति के सदस्य भी हैं। तो अब प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को मिली सांसद निधि की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अब तक दिए गए आंकड़ों के मुताबिक एसपी सिंह बघेल को कुल सांसद निधि 17 करोड़ बताई गई है। इसमें से 12 करोड़ अब तक रिलीज की जा चुकी है और 5 करोड़ सरकार से रिलीज होना बाकी है। वहीं अगर एसपी सिंह बघेल को अब तक मिली 12 करोड़ की धनराशि में बात की जाए तो उसमें से 1.7 करोड़ रुपए अभी उनके खर्च होने बाकी हैं। ये तो हो गई आंकड़ों की बात, लेकिन अपने हिसाब किताब को लेकर आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल का कितना काम वो बताते हैं, वो आप उनसे खुद सुन लीजिए। संयोग है कि मैं जब एमपी बना तो वो नगर विकास के सेक्रेटरी बने, मेट्रो उसी के नीचे आती है, और अब वो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं। तो नियमों में सतलता थोड़ी बरतते हुए आगरा को 1000 करोड़ का मेट्रो का प्रोजेक्ट हम लोग लेकर के आए हैं, तो ये तो 200-400 साल का प्रोजेक्ट हो जाता है। दूसरा, आगरा में 1000 करोड़ का स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है। तीसरा, आगरा वाहिद वो शहर होगा जहाँ गंगा जल शहर भी पी रहा है। इसके अलावा आगरा में एतमादपुर विधानसभा मेरे पास है, तो वहाँ पर ट्रीटेड वाटर गंगा जल का, क्योंकि सरफेस वाटर जब तक नदियों में पानी रहेगा तब तक हम पिला सकते हैं। जो जल जीवन मिशन में अंडरग्राउंड वाटर से बोरिंग करके पानी पिलाया जाएगा, तो मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक हैंडपम्प अब पानी छोड़ चुका है। समरसेबल बहुत नीचे जा रही हैं, जेट ने काम करना बंद कर दिया है। तो मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उन्होंने नल के द्वारा जल में हम गंगा जल
देहात में भी पिएंगे, ये एक बहुत बड़ा काम होगा। और अभी मुख्यमंत्री जी जिस दिन आए तो मुझे उनके साथ एयरपोर्ट से लेके और लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में, फिर लघु उद्योग भारती से एयरपोर्ट तक जाने का मौका मिला। इस दौरान हमने आगरा के विकास को बहुत डिस्कस किया और अगले ही दिन उन्होंने 129 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया है सिविल, जो हमारा वो हवाई पट्टी बनेगी सिविल एयरपोर्ट के लिए, और ज़मीन भी एक्वायर 90% हो गई है और निर्माण कर बहुत जल्दी शीघ्र होने वाला। अब कुछ काम बाकी हैं, जैसे बैराज होना बहुत ज़रूरी है, मुख्यमंत्री जी से वो भी कहा, लोकसभा में कई बार उठा चुका हूँ, कई बार मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री जी एक साइट भी देखे थे यमुना जी पर रबर के लिए, लेकिन उसको टेक्निकल लोगों ने उसको उचित नहीं समझा है, तो एक और दूसरी DPR बन रही है और हम उम्मीद करते हैं आगरा में 15 ब्लॉकों में से 14 प्रॉब्लमेटिक हैं, माने डार्क जोन में आ गए हैं, एक बचा है वो चंबल डाल परियोजना से बचा है। तो जैसे ये बैराज बनेगा और हमारे पुरखेर पॉलिटिशियन के झगड़े की वजह से बैराज आज तक नहीं बना है, तो बैराज बनने से वाटर लेवल ऊपर आएगा, शहर के लोगों को भी पानी की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, और हम सोचते हैं रिवर फ्रंट, फिर हमारा अगला काम हम रिवर फ्रंट पर करने का काम करेंगे, तो उम्मीद करते हैं। और एक स्टेडियम के बारे में मुख्यमंत्री जी से कई बार बात हुई है, इस बार उन्होंने मुझे कहा संयुक्त से कार में वो मुख्यमंत्री जी, मैं और उनका एक ब्लैक कैट कमांडो और एक स्पेशल सेक्रेटरी बैठे थे, तो उनके सामने उन्होंने कहा है कि आप DPR बना के भेजो, जमीन एक्वायर, जमीन देखिएगा। तो आगरा में बैराज से लेकर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल कराने की मांग बघेल करते हैं, इसके साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर भी बघेल संवेदनशील दिखाई देते हैं, लेकिन इन दावों में कितने कामों की सच्चाई कहां तक पहुंची वो आप हमें बताइए। साथ ही आप प्रोफेसर SP सिंह बघेल को आगरा सांसद होने के नाते 10 में से कितने नंबर देंगे वो भी बता सकते हैं। ये तमाम जानकारी भेजी थी आगरा से हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा ने। कैसा लगा आपको हमारा खास शो सांसद का हिसाब किताब, हमें वो भी आप जरूर बताइए। तब तक फिर मुलाकात होगी एक और सांसद और उनके हिसाब किताब के साथ, बने रहिए, देखते रहिए UP तक। शुक्रिया।